दोस्तों आईपीएल 2021 का शेड्यूल लॉन्च हो चुका है, जहां पर 9th ऑफ अप्रैल से आईपीएल 2021 की शुरुआत होने जा रही है। और इस बार खास बात यह है कि इंडिया में आईपीएल होने जा रहा है। हालांकि कोई भी होम मैच अवे मैचेस का एडवांटेज किसी भी टीम को नहीं रहने वाला है, क्योंकि सभी के वेन्यूज यानी होम ग्राउंड अवे ग्राउंड के तौर पर बनाए गए हैं, तो होम सपोर्ट किसी को भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में आज की सीडो में हम यही बात करने वाले हैं कि आईपीएल की दो सबसे सक्सेसफुल टीम यानी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जब 2020 में आमने सामने आएंगी तो कौन सी टीम मैच जीतने वाली है, इसके बारे में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आईपीएल फैंस, एमआई फैंस, सीएसके फैंस फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपको क्या लगता है 2021 का टाइटल कौन सी टीम उठाने वाली है, कमेंट करके अभी बता दें। सबसे पहले तो हम बात करें ओपनिंग डिपार्टमेंट की, तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक रहने वाले हैं मुंबई इंडियंस के लिए और बैकअप ओपनर क्रिस लिन, ईशान किशन रहने वाले हैं। तो वहीं सीएसके के पास भी काफी सारे ओपनर्स हैं, फाफ डु प्लेसिस, रॉबिन उथप्पा, अंबती रायडू, एन जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड़। और जो परफेक्ट पेयर रहने वाला है वो रहने वाला है फाफ डु प्लेसिस और रॉबिन उथप्पा का। लेकिन जिस प्रकार के T20 टच में है क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, और इन्होंने प्रूव करके दिखाया था 2020 आईपीएल में, इनका पलड़ा ओपनिंग डिपार्टमेंट में भारी है। और एमआई के ओपनर्स काफी बेहतर हैं। मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम परफॉर्मेंस में तो आगे है ही, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी इनके पास काफी ज्यादा है। सुरेश रैना, अंबती रायडू, एमएस धोनी, ये रहने वाले हैं मिडिल ऑर्डर में। और मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन रहने वाले हैं, यानी यंग इंडियन प्लेयर्स रहने वाले हैं। तो मिडिल ऑर्डर में साफ तौर पर सीएसके की टीम आगे है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, नेथन कुल्टर-नाइल, बड़े बड़े ऑलराउंडर्स मुंबई इंडियंस के पास हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में देखते हैं तो रविंद्र जडेजा, सैम करन, डीजे ब्रावो, मोइन अली रहने वाले हैं, यानी सीएसके के पास काफी सारे अनुभवी ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या काफी बिग हिटर्स हैं और ऑलराउंडर्स के मामले में मुंबई इंडियंस की टीम आगे है। तो वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो चेन्नई के पास इमरान ताहिर, करण शर्मा, रविंद्र जडेजा रहने वाले हैं। तो वहीं मुंबई इंडियंस के पास राहुल चहर, कृणाल पांड्या और पीयूष चावला रहने वाले हैं। और पीयूष चावला सीएसके से ही आए हैं। तो स्पिनर्स के डिपार्टमेंट में दोनों ही टीम्स के पास यंग प्लेयर्स भी हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स बराबरी पर हैं। बात की जाए पेसर्स की तो मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, नेथन कुल्टर-नाइल, एडम मिलने, धवल कुलकर्णी, काफी सारे बड़े बड़े एक्सपीरियंस पेसर्स हैं। और चेन्नई के पास शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, यंग इंडियन पेसर्स हैं। तो वहीं एक्सपीरियंस के मामले में भी डीजे ब्रावो, जॉस हेजलवुड भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी आती है, इनके आगे आईपीएल की किसी और टीम के पास इतनी तगड़ी पेस बॉलिंग लाइनअप है ही नहीं। तो पेस डिपार्टमेंट में भी मुंबई इंडियंस की टीम आगे है। तो गाइज ये तो रहा कंपैरिजन, लगभग दोनों ही टीम्स बराबरी पर हैं। मुंबई इंडियंस की टीम तो पहले से ही स्ट्रांग थी, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार रॉबिन उथप्पा, कृष्णप्पा गौतम, मोइन अली, जॉस हेजलवुड के आने से काफी स्ट्रांग बन चुकी है। तो गाइज अब आपको क्या लगता है 2021 में दोनों ही टीम्स का जब मैच होगा तो कौन सी टीम मैच को जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर से बताएं। सभी अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।